हेलो गाइज, ओप्पो रेनो 8 सीरीज को लॉन्च हुए अभी सही से 4 महीने भी नहीं हुए और अब यहाँ पे ओप्पो रेनो 9 सीरीज लॉन्च होने वाला है। 24 ऑफ नवंबर को ये सीरीज चाइना पे लॉन्च होगा और उसके एक महीने के बाद यानी कि दिसंबर एंड तक ये सीरीज हमें डेफिनेटली इंडिया पे भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो चाइना एंड इंडिया के लॉन्चेस के बीच में सिर्फ 1.5 मंथ का ही गैप होता है, यानी कि 1 से 1.5 महीने के आसपास ये फोन चाइना टू इंडिया पे लॉन्च कर दिए जाते हैं। सो आज हम बात करेंगे इस सीरीज के सबसे हायर वेरिएंट ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस के सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये फोन के सब कुछ कन्फर्म होकर बाहर आ चुके हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि पिछले वाले 8 प्रो प्लस से 9 प्रो प्लस में क्या कुछ अपग्रेड्स देखने को मिलने वाले। सो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात करें तो इसमें हमें कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ कैमरा मॉड्यूल को लेकर थोड़े से यहाँ पे चेंजेस किए गए। पिछले वाले वेरिएंट में कैमरा मॉड्यूल जो था वो बॉडी के साथ मिक्स था, लेकिन इस पर हमें थोड़े से बम्प देखने को मिले, यानी कि कैमरा मॉड्यूल जो पिछले बार बॉडी के साथ मिक्स था वो अब यहाँ पे थोड़े से बम्प हो गए, जो कि अलग सा पता चल रहा है। और इस बार इस वेरिएंट के अंदर एक डिफरेंट कलर भी ऐड किया गया है जो कि गोल्डन, और उसके बैक में अलग सा एक टेक्सचर भी दिया गया, बाकी एक स्काई ब्लू एंड एक ब्लैक। एंड मुझे लग रहा है कि इस बार बिल्ड क्वालिटी हमें मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये फ़ोन 7.99 mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम के आसपास वेट के साथ आएगा, तो हाँ इस बार भी ये फ़ोन लाइट वेट एंड स्लिम रहने वाला है। बाकी आते हैं हम लोग इसकी अंदर की स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस के साथ एक कर्व ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि 120 हर्ट्ज के स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। और ये डिस्प्ले HDR 10 प्लस 10 बिट कलर सेचुरेशन एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को ये डिस्प्ले सपोर्ट करने वाला है, यानी कि कर्व डिस्प्ले के अंदर जितने भी फीचर्स अभी चल रहे वो सभी फीचर्स ये फोन के डिस्प्ले के साथ हमें मिलने वाले हैं। तो हाँ डिस्प्ले एक्सपीरियंस इस बारे में पिछले बार से बेटर देखने को मिलेगा। बाकी कैमरास की तरफ आते हैं तो रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ OIS, लेकिन इस बार हमें IMX वाला लेटेस्ट सेंसर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है सोनी की तरफ से, जो कि होगा सोनी IMX 890। पिछली बार 766 था, इसे अपग्रेड करके 890 पे कर दिया गया, तो हाँ कैमरा परफॉर्मेंस इस बार हमें बेटर देखने को मिलेगा और OIS के साथ आया है तो फुल स्टेबल पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी 8 megapixel की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 megapixel की मैक्रो शूटर। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे कैमरास को लेकर एक सेकेंड जेन वाला मारी सिलिकॉन डेडिकेटेड चिप को ऐड किया गया है, जो कि सिर्फ कैमरास को ही मैनेज करेगा, तो इसका भी एक अलग एडवांटेज होगा, लेकिन अभी फिलहाल क्लियरली नहीं बताया गया, वो हमें लॉन्चेस के वक्त ही बताया जाएगा। बाकी फ्रंट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट मेरे ख्याल से 32 megapixel की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। अब यहीं पे आते हैं हम लोग इसके परफॉर्मेंस की तरफ। तो ये फोन स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाले पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 1 मिलियन से ऊपर चला जाता है एंड एड्रिनो 730 के ग्राफिक पे बेस्ड होगा एंड 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें फ्लैगशिप लेवल वाला मिलने वाला है और ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ ही आने वाला है एंड बेटर ग्राफिक के साथ ये प्रोसेसर बैटरी को भी काफी हद तक बचाने वाला है। साथ ही 4700 mAh की बैटरी होगी और इसे चार्ज करने के लिए 80 वाट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा, जो कि 20 to 25 मिनट के आसपास आपके बैटरी को फुल चार्ज करने वाला है। इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड 3.5 mm जैक इस बार भी नहीं दिया जाएगा। बाकी ये फोन विद बॉक्स इनवाइट 13 एंड कलर ओएस 13 के साथ आएगा और इस बार रैम रॉम वेरिएंट 16 प्लस 256 GB से स्टार्ट होगा एंड सबसे हायर वेरिएंट 16 प्लस 512 GB तक जाएगा। मतलब इस बार 6 GB रैम, 8 GB रैम एंड 12 GB रैम यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ओवरऑल स्पेक्स हमें ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस के साथ देखने को मिलेगा। अब प्राइस पॉइंट को लेकर अभी तक कोई भी हिंस वगैरह भी नहीं मिला है, देखते हैं चाइना पे लॉन्च होता है उसके अकॉर्डिंग फिर इंडियन प्राइसिंग को यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे। फिलहाल आपको ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस के स्पेसिफिकेशंस कैसा लगा एंड लुक एंड डिज़ाइन कैसा लगा, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।